गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों हम संविधान सभा व संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। पहले वाली कक्षा में हमने उद्देश्य प्रस्ताव तक समझा था और उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारी संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था जो 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने पारित कर दिया था। अब ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जब ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन किया गया। कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया जिसमें अपन देखा जाए तो करीबन 15 से 16 समितियां थी, जैसे प्रमुख तौर से संघ संविधान समिति है, संघ शक्ति समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति हैं, कार्य संचालन समिति हैं, ऐसे कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें समझने के लिए जो सबसे इस हमारी संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। उन 6 सदस्यों में प्रमुख एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधवराव, टी टी कृष्णमाचार्य, ये 6 सदस्य और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इस प्रकार 7 सदस्य इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब इस प्रारूप समिति को काम सौंपा गया कि इस भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाए। प्रारूप समिति ने विश्व के करीबन 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया जो लोकतांत्रिक देश थे और ये उन्होंने समझने का प्रयास किया कि इस बहुसंस्कृति वाले देश, विविधता वाले देश के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था उपयुक्त रह सकती है। प्यारे विद्यार्थियों हमने कक्षा 11 में देखा था थ्योरी में कि विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था होती हैं, एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, कई प्रकार से। तो ये हमारे भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप बेहतर रहेगा और क्या क्या व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, ये सब उस प्रारूप समिति का काम था और ये सब उसने काम किया। हमारे संविधान सभा के जो मुख्य सलाहकार थे वो सर बीएन राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। ये हमारे संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे जो समय समय पर विभिन्न समितियों का मार्गदर्शन किया करते थे। बड़े गर्व की बात ये भी है कि सर बीएन राव हमारे पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने, न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रारूप समिति ने अपना काम भी प्रारंभ कर दिया। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ तो पारित होने के बाद हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के साथ ही पाकिस्तान भी एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो जो पाकिस्तान में स्थित प्रांतों के जो सदस्य हमारी संविधान सभा में थे तो ये स्वाभाविक था कि जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है तो वो संविधान सभा के सदस्य पृथक हो जाएंगे। तब हमारी इस संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और अब आज़ादी के बाद हमारी संविधान सभा के जो कुल सदस्य रह गए थे वो 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, अब हमारे प्रश्न बनता है कि हमारे देश की आज़ादी के पश्चात हमारी संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 299। अब जो हमारी प्रारूप समिति की जो गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को आ गई और 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट आने के बाद में इस पूरे रिपोर्ट को हमारी संविधान सभा के समक्ष पटल पर रखा गया और इसके अलग अलग वाचन हुए। यहाँ ये बात भी समझना हमें अनिवार्य है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो ये हमारी जो संविधान सभा थी यही हमारी अंतिम संसद थी और इस समय हमारे देश के संविधान का निर्माण भी करना है तो साथ ही साथ हमारे देश की शासन व्यवस्था को भी संभालना है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से इसकी जो अध्यक्षता थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे और हमारे देश में विधायिका से संबंधित, कानूनों को लागू करने संबंधित ये पूरा विधायिका का काम जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर इसका अध्यक्षता करते थे। प्रारूप समिति की रिपोर्ट का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949 तक हुआ और इन तीनों ही वाचन में ये हमारी संविधान सभा के जो सभी सदस्य थे 299 सदस्यों ने हरेक अनुच्छेद पर, हरेक अन्य उपबंध पर बारीकी से अध्ययन किया और ये समझने का प्रयास किया कि ये आगामी समय के लिए, आगामी आने वाले भारतवर्ष के लिए किस प्रकार से उपयुक्त रहेगा ताकि हमारी देश की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे और हमारे देश में
किसी प्रकार का कोई भी संवैधानिक गतिरोध पैदा भी न हो। और हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों की ये बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का ही प्रमाण है कि आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान विश्व के सबसे सफलतम लोकतंत्रों में से एक आता है। हमारी संविधान सभा में कोई भी निर्णय बहुमत से नहीं लिए गए, सभी निर्णय आपसी सर्वसहमति से निर्णय लिए गए और हरेक सदस्य के विचारों को महत्व प्रदान किया गया। सभी सदस्य अपनी आपसी सहमति से ही निर्णय लिए। इस प्रकार तीनों वाचन होने के पश्चात हमारी संविधान सभा में 24 नवंबर 1949 के दिन जो हमारे 299 सदस्य थे उसमें से 284 सदस्यों ने हमारे इस प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद में हमारा संविधान की कंप्लीट प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा और इसी समय दौरान हमारे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के प्रारूप पर करीबन 114 दिन बहस हुई और कुल संविधान सभा के 11 सत्र हुए। 24 नवंबर 1949 के दिन ही हमारे संविधान के कुछ अस्थायी प्रावधान लागू कर दिए गए, जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव और संविधान के कुछ अस्थायी प्रावधान, इनको लागू कर दिए गए तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू कर दिया गया था, 24 नवंबर 1949 को, और हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब हमारा संविधान 24 नवंबर को ही बनकर तैयार था तो हमने 2 महीने के लिए इंतजार इस वजह से किया क्योंकि आपने कक्षा 11 में जरूर पढ़ा है कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन की किसी प्रकार की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं थे और भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो नेहरू रिपोर्ट में हमने एक डोमिनियन स्टेट अधिराज्य की मांग की थी जो अंग्रेजी सरकार ने उसको ठुकरा दिया था। इस प्रकार से जब भारतीयों के हित में किसी प्रकार से अंग्रेजी शासन द्वारा कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे तब इसका बहिष्कार करने का निर्णय किया गया और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि हम किसी प्रकार के अधिराज्य की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब तो हम जब तक पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम ठहरने वाले नहीं हैं और इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते रहेंगे। इस प्रकार से उसी दिन ये तय किया गया कि आने वाले 24 जनवरी 1930 से हम हर साल 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और जब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक इसी 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। इसलिए जब 24 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार था तो हमने 2 महीने का इंतजार किया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पवित्र दिन था और ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण था। इसलिए 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। हमारी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी बैठक के अंतर्गत ही संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना। इस प्रकार ये हमने देखा कि हमारे संविधान का निर्माण इस संविधान सभा में किस प्रकार से हुआ। धन्यवाद।